हो, इट इज ए फाइनल मैच गाइस। लिटरली हम लोग दो महीने के बाद हम लोग खेलने जा रहे हैं फाइनल मैच भाई। लिटरली ये जो आरसीपीएल टूर्नामेंट है हम लोग 2 महीने से खेल रहे हैं भाई। आज जाके हम लोग फाइनल कर आ चुके भाई। तो आज भाई ट्रॉफी लेके हम लोग घर पे आएंगे भाई। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है, हम लोग फटाफट से आएंगे मैच के अंदर, मैच स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले भाई जो लोग चैनल पे अंदर न्यू आ रहे हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल के अंदर क्लिक कर दो, क्योंकि फाइनल है। ट्रॉफी लेके वापस आएंगे, बैठ जाओ। नहीं गुजरात वर्सेस यहाँ पे चेन्नई, धोनी वर्सेस हार्दिक, कौन जीतेगा आज हमारा फाइनल मैच? लेंगे हम लोग आज टेल्स, देखते हैं टॉस कौन जीतेगा। टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉस हार गए हम लोग। अरे उन लोगों ने बैटिंग लिया। सुब्राम 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 भाई, शुरुआत बहुत ही गंदा। चिक चिक चा चिक 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 चा चिक चिक चा चिक 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 चा, आज है फाइनल चिक चिक चा। आज इतनी खुशी मुझे आज हो रहा है भाई। लिटरली टेंशन भी है, टेंशन को कटाने के लिए मतलब हटाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब नौटंकीबाजी कर रहे हैं, क्या करें। शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी एज यूजुअल हमारे दोनों युवा खिलाड़ी आ चुके हैं, पर मैं तो उस टीम से नहीं हूँ, मैं चेन्नई से हूँ भाई। चिंता मत करियो, चेन्नई की टीम पहली गेंद डालेंगे यहाँ पे पैटुआ कमिंस। चलो पटाखा फोड़ना स्टार्ट हो चुकी है ऑडियंस के अंदर भाई। आज हम लोग खेल रहे हैं अच्छा खासा स्टेडियम भाई। ये स्टेडियम भाई बहुत दिन के बाद ही खेल रहे, देख के अच्छा लग रहा है। पर पता नहीं भाई, मतलब मैं तो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पर हमारे पास तो अलग होना चाहिए सब कुछ। सब प्लेयर आज बहुत ही बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि भाई आज फाइनल है। इसका अंदर अच्छा खेला तो भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर चांस मिल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। कर कोई बात नहीं, दोनों ही बल्लेबाज अच्छे से यहाँ पे शुरुआत किया इन लोगों ने। पैट कमिंस से हम लोगों को भाई बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छा खासा ओवर निकालना होगा, क्योंकि 4 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पता नहीं भाई 20 ओवर कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि डर लगा कितना टारगेट दगे गुजरात। मन के अंदर डर बैठ गया भाई लिटरली मुझे। मैं भी बोलिंग कर रहा हूँ डर डर पे, वो लोग भी मतलब बैटिंग कर डर डर पे। देखो यहाँ पे तब से यहाँ पे एक भी बाउंड्री नहीं आई है, मतलब बाउंड्री बनने के लिए थोड़ा औकात तो चाहिए, पर अभी औकात नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अक्टल भाई बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे बस की बात नहीं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना फास्ट बॉलिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर स्लो बॉल अगर हम लोग डालेंगे तो कुछ वेरिएशन आ सकता है। मैं भाई बहुत ही एकदम देख देख के बॉलिंग कर रहा हूँ। लगता है भाई कमेंटेटर्स हो गए भाई लिटरली भाई लिटरली, क्योंकि चौके छक्के तो नहीं आ रहे भाई, क्या कमेंट्री करेंगे यहाँ पे। लिटरली पूरा सन्नाटा मैच हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा है, फाइनल मैच चल रहा है, पता नहीं। रुको, ये फाइनल मैच है, लास्ट में जाके बहुत पिल्लम पिल्ली होगा, मुझे ये तो पता है, क्योंकि भाई तूफान आने से पहले सब कुछ होता है सन्नाटा। बात तो सही है। खंबा दारू दारू जाके संतरे का बॉटल लेके जा। करते करते हम लोगों ने 3 ओवर डाल दिया यहाँ पे, सिर्फ 18 रन है। ओह बैट का सिर्फ एज लग रहा है यहाँ पे, अगर एक बार स्लिप कैच मिल जाए। ओ भाई सर, ए भाई हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं भाई, पाप तक नो 4 रन नो बाउंड्री, देखते आज कर पाती है नहीं। टेंडेंसी चाहिए भाई हम लोग को, अगर टेंडेंसी मिल गया ना भाई लिटरली हम लोग को राहुल त्रिपाठी को ऐसे करके आउट कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। रुक जाओ टेंशन नहीं लेने का। पर देखो भाई यहाँ पे डार्क आउट पे बैठ के लोग टेंशन ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे नॉट। अच्छा अच्छा न्यू अपडेट लाइए, स्पिन बॉल के अंदर भी ये लोग खेलने कुछ ढंग का नहीं खेल रहे। कैच इट, ओह थोड़ा आगे ड्रॉप खा लिया। अरे क्या लगता है हम लोग अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने खेल नहीं पा रहे। अभी हैसलट को दिया है बॉलिंग के लिए, यहाँ पे देखते क्या कोई खेल नहीं पाते। हैसलट बॉल क्या स्विंग किया धोनी, तो ओपी कीपिंग। इस बॉल को हम लोग थोड़ा भाई अंदर की तरफ करने की कोशिश करते हैं, देखते भाई क्या रिवर्स स्विंग कर सकते हैं इस बॉल का हम लोग को। हम लोग थोड़ा भाई अंदर की तरफ करने की कोशिश करते हैं, देखते भाई क्या रिवर्स स्विंग कर सकते हैं इस बॉल के हम लोग को। हेजलवुड हेजलवुड को तो भाई भैंस का दूध कम कर गया यहाँ पे भाई। अरे देखो राहुल त्रिपाठी को वापस भेज दिया, एकदम क्लीन बोल्ड कर दी भाई। एक बार तो रिप्ले बनता है फाइनल के अंदर, चिंता मत करो रिप्ले में दिखाऊंगा। इतना सादा विकेट लिया भाई, थोड़ा सा स्वॉप करना बनता है यहाँ पे। एक और विकेट देखो जबरदस्त, एक लाइक बनता है इसके लिए। अभी बल्लेबाजी करना चुके एस होप, देखो भाई साहब क्या शकल बना भाई, एकदम रियलिस्टिक लिटरली। चलो देखते हैं एस होप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या होप यहाँ पे भारी पड़ेगा या कुछ बदलाव ला पाएंगे यहाँ पे। देखते भाई अच्छे दिन आ पाएंगे यहाँ पे। शॉट तो बहुत ही जबरदस्त पर मिलेगा 4 रन, पहला 4 रन इस फाइनल के अंदर भाई, क्या बात है। प्रेशर के अंदर अच्छा खासा प्रेशर रिलीज किया, पता चल रहा है फाइनल चल रहा है, प्रेशर के अंदर बैठ जा रहा है। भाई क्या दर्शक आए भाई हमारे इस मैच को देखने के लिए। इस बार तो मैं जरूर जाऊंगा आईपीएल देखने के लिए, अगर हमारे ईडन गार्डन में हुआ तो। पर बहुत दिनों से नहीं हुआ, मतलब अगले साल तो नहीं हुआ था, पर इस साल अगर हुआ तो मुझे याद दिला देना गाइस। नहीं फिलहाल इस मैच के अंदर याद दिलाते हैं भाई, क्योंकि फाइनल है भाई। मैं बार बार भूल रहा हूँ फाइनल है, एक्चुअली भूल जाओ तो तभी अच्छा खेल रहा हूँ। हैसलवुड को फिर से लाया है बॉलिंग के लिए, क्योंकि हैसलवुड ने एक विकेट निकला था भाई यहाँ पे। निकल गई ये बॉल निकल गई भाई। हम लोगों ने गलती कर दी एक्चुअली, पावर प्ले खत्म हो चुका है,
हम लोगों ने फील्डिंग नहीं खोला था, इस बार खोल देते, चिंता मत करो भाई, क्योंकि इस बार सीख मिल चुकी है। साइड चेंज करने के बॉलिंग करने के फायदा है भाई, क्योंकि बैट्समैन को कंफ्यूज करने के एक ही तरह के साइड चेंज करो और बॉलिंग वेरिएशन चेंज करते रहो। यहाँ पे फिलहाल तो बहुत आगे जा चुके हैं हमारा ओवर, फिर भी 6 करंट रेट तो आ रहे हैं, मतलब 160 बनता। मैं लिटरली बोल रहे दिवाली के टाइम ना वीडियो रिकॉर्ड करना मैच खेलना बहुत ही मुश्किल है भाई, फटाके का जो आवाज भाई लिटरली फटफट के फूट रहा है, फिर भी मैं नॉइस कैंसिलेशन यूज कर रहा हूँ, फिर भी आवाज आ ही जा रहा है। यहाँ पे फटाके फोड़ने का मेरा भी मन कर रहा है लिटरली, आप मैं विकेट फोड़ूंगा भाई जब तक विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 ओवर खत्म हो चुकी है। रन तो ठीक ठाक आ रहा है भाई, मतलब मेंटेन कर रहे हैं सिंगल लेके भाई, मानना पड़ेगा सिंगल 3-4 करके, मतलब 7 मेंटेन तो कर रहे हैं लोग। साकी वाला सर इंजरी हो गया नहीं तो उसको भी लेके आते भाई, पर इसके बदले हम लोग आदिल लसक यहाँ पे बोलो भाई 4 मार दिए यहाँ पे पहले गेंद में, यहाँ पे सॉरी सेकंड बॉल में, ये तो अच्छा खासा खेल रहे हैं यहाँ पे। शुभमन गिल भाई टुक टुक करके बहुत रन बटोर दिया भाई, 27 कप जड़ दिया मुझे नजर नहीं आया यहाँ पे। लास्ट बॉल है भाई, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, धोनी जी बोल रहे आहिस्ता, मतलब अरे आहिस्ता आहिस्ता बोल के बॉल छोड़ कर किसने बोला भाई, अरे ये तो बारिश वारिश हो रही है क्या, बारिश का सीजन तो नहीं लग रहा है, बॉल फिसलता कैसे भाई। बाहर में तो ठंडी पड़ चुकी है पर मैच के अंदर भी लगता है ठंडी पड़ चुकी है भाई, पर धीरे धीरे चिंगारी के साथ गर्मी लौट रही है भाई, मानना पड़ेगा। होप जब से आई है तब मैच के अंदर थोड़ा होप जान फिरी। रन तो आ रहा है भाई, रन लेकिन 10 ओवर खत्म होने जा रहा है, ये लोग तो भाई रन तो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, 60 के ऊपर रन कर दिया, 4 मार दिया पे। अरे आज तो होप ही खेल रहे भाई, लगते हैं होप बहुत जल्दी 50 करने वाली है जिस तरह से खेल रहे भाई, 20 रन जड़ दिया आते अभी उतरा था भाई, क्या खेल रहे हैं यहाँ पे भाई। ये पैट कमिंस का हम लोग बहुत ही ध्यान से काम लगाएंगे भाई, लिटरली पैट कमिंस बहुत ही सही बॉलिंग कर रहे हैं भाई, देखो सिर्फ 14 रन दिया यहाँ पे सिंगल आज भाई इस मैच के अंदर सिंगल बहुत आई है। अरे गलती कर दी भाई, ऑफ साइड के अंदर पूरा गैप छोड़ दिया भाई, अगर वहाँ पे मार दिया तो भाई जिस बात का डर रहा था मार दिया भाई, 4 रन जाना चाहिए भाई, 4 तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑडियंस नहीं चल रहा है यहाँ पे। 3 रन क्या भाग भाग के 4 रन ले लेंगे यहाँ पे, अरे भाग भाग के चला लेने का चल बच गया यहाँ पे, 3 रन लिया यहाँ पे सिद्धि बिंग के, बच गए बच गए बच गए, होप से यहाँ पे हमारा भी होप जिंदा रखा यहाँ पे। एकदम गजब का मैच चल रहा है भाई, लिटरली फाइनल मैच चल रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, मतलब देख के पता चल रहा है भाई। देखो भाई साई वो बाद में उतर के इतना लेट उतर के भाई शुभमन गिल का रन के अंदर क्रॉस कर दिया यहाँ पे, इस टीम के साथ चौके के साथ खेल रहे 37 और शुभमन गिल 36, कोई बात नहीं, डिफेंस कर रहा है कि मार रहा है भाई, 90 हो चुके हैं भाई, क्या 120 कर पाएंगे, पर मुझे लगता है हो जाएंगे, क्योंकि 8 ओवर के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा तो 120 आकर थोड़ा बहुत मान लेगा 15 ओवर के बाद, तो भाई हो सकता है 150-160 हो सकता है। लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर भाई क्या 100 हो पाएंगे 6-7 भाई, आज तक 6 फिर देखने को नहीं मिलेगा भाई, फाइनल चल रहा है, 1 at least 6 मारना चाहिए भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ मारो ना भाई, बॉलिंग तो इसी दे रहा हूँ। अच्छा अरे फाइनल के अंदर बारिश आ गया भाई, मुझे दिख रहा है बारिश हो रहा है जोरों जोरों से यहाँ पे, आउट आउट आउट, यस बस स्टंप विकेट भाई फाइनल के अंदर, पहली बार हम लोगों ने स्टंप विकेट करा भाई, और पहली बार यहाँ पे सुरेश ने विकेट लिया फाइनल के अंदर, पार्ट टाइम बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, देख रहे हो गाइस, पार्ट टाइम बॉलर को बॉलिंग दिया हम लोगों ने, विकेट ले लिया यहाँ पे शुभमन गिल वापस 39 करके भाई, एक बार तो रिप्ले बनता है इसका भाई भाई, पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे बैट्समैन को गुमराह किया, यहाँ पे बुमराह नहीं है फिर भी गुमराह कर दिया भाई धोनी के ओपी स्टंप पे, क्या बात। अभी लिमलिंग लिविंग सुना ये बल्लेबाजी करने है, देखते हैं क्या इन दोनों क्या मार पाएंगे, दोनों फॉरेन बल्लेबाज है, सुरेंद्र जो विकेट लिया वो और एक विकेट और गिरा रहे सुरेंद्र, 2 विकेट क्या कोई मुझे मारो यार, लिटरली इतना अच्छा खासा विकेट था, उन लोगों ने विकेट ले दी, यहाँ 6 मार दी, मैं बोला था भाई मैंने बोला था ये बहुत फैलने वाली है भाई, क्योंकि बारिश भी हो रहा है, आई थिंक कि मैच रुक जाएगा, उसके बाद जी बारिश का जीएसटी हमारा ओवर कटेगा यहाँ पे, पता नहीं कितने ओवर का होगा। एज यू कैन सी बिहाइंड मेरा सी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज यू कैन सी बिहाइंड द सी, मैं सुनना चाहता हूँ यहाँ पे भाई, बारिश हर अच्छा, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, 15 ओवर का मैच होने वाली है पीछे, क्या बात। एक्चुअली देखा जाए तो यही हमारा आज का लास्ट ओवर है भाई इस फाइनल के अंदर भाई, ओ भाई साहब भाई लिविंग स्टोन लास्ट में उतरा अच्छा है भाई, अगर पहले उतरता लेकिन 200 के ऊपर रन काम कर देता भाई यहाँ पे भाई, क्या गजब का तरीके शॉट खेले यहाँ पे, मतलब खेलने का तरीका टक करके हो लगते फ्रंट फुट के अंदर खेला, अभी राउंड द विकेट बॉलिंग करने की कोशिश करते भाई, क्योंकि साइड से बॉलिंग तभी को भाई लिविंग स्टोन लिटरली मेरे पेट में पत्थर छोड़ रहे यहाँ पे, क्या घुमा के मारा भाई भाई 6 की 4 तो गया एटलीस्ट भाई, बहुत रन आ चुके भाई लास्ट ओवर तक, बहुत पिल रहे अब लिविंग स्टोन को, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे पता नहीं भी एक अरे कब बात, ये देखो भाई ये एक मोहरा था ना भाई, ज्यादा उड़ेंगे तो नीचे तो धाम कर गिरना पड़ेगा, ऐसे हुआ यहाँ पे बहुत मार रहा था। हम लोगों के बॉलिंग के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल है, लिविंग स्टोन आउट, पत्थर पत्थर ही 6 बॉल में 16,
आज साकिब अल हसन को हम सब लोग मिस कर रहे भाई, क्योंकि साकिब अल हसन इंजरी हो गया, नहीं अगर होता तो गारंटी 5-6 विकेट तो गारंटी गिरता, उसके पास में आता है 2 विकेट तो आता ही आता, क्योंकि टॉप विकेट टेकर था भाई, पर उसके बाद तो चहल निकल गया, ये बस इस बार नहीं हो पाई, पर नेक्स्ट बार हम लोग साकिब अल हसन को जरूर लेंगे, देखते पर इंजरी की वजह से क्या कर सकते। हो गई 118 रन, इनिंग्स खत्म, पर टारगेट कितना देगा बारिश की वजह से, अरे इन लोगों ने हाथ पार कर दिया, अरे 130 का टारगेट दे दिया, पागल है क्या।